आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं योगा आसन्स विच विल बर्न योर फैट्स इन 28 डेज। अब आधे से ज़्यादा लोग सोच रहे होंगे कि योगा आसन हमारे फैट्स को बर्न कर सकता है। जी हाँ, आधे से ज़्यादा लोगों को ये नहीं पता कि योगा आसन्स को कैसे करना है। वो लोग कभी कम करते हैं तो कभी ज़्यादा, और वो सोचते हैं कि उनका फैट्स बर्न हो जाएगा। तो चलिए पहले देखते हैं कि ये कौन कौन से योगा आसन्स हैं जो आपके फैट को बर्न कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट आसन है पश्चिमोत्तानासन। पहले आप मैट के बीचों बीच बैठ जाएं, अपनी बॉडी को एल शेप में रखें, हाथों को थाइस के पास रखें और अपने शोल्डर्स को स्ट्रेच कीजिए, जिसकी वजह से आपकी स्पाइन पूरी स्ट्रेच हो जाएगी। उसके बाद आप नॉर्मल ब्रीथ की स्पीड के साथ अपने हाथों को सर के ऊपर स्ट्रेच करते हुए लाइए। नॉर्मल ब्रीथ की स्पीड के साथ आगे बढ़ें। ध्यान रखिए कि आपकी नीज बेंड ना हो रही हो। उसके बाद अपने लेग के थंब को पकड़ने की कोशिश करें, जितना हो सके आगे बढ़ें और अपने एल्बो को ग्राउंड में टच करने की कोशिश करें। ये आसन आपके लोअर एंड अपर एरियाज़ के फैट पे इफ़ेक्ट करता है। ये कोलोन एरिया को फ्री करता है और स्पाइन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन पे असर करता है। आसन है सर्वांगासन। पहले आप मैट पे लेट जाएं, आपके शोल्डर्स ज़मीन पे रिलैक्स्ड करके रखिए। उसके बाद अपने हाथों को थाइस के पैरेलल रखें, अपने ब्रीथ की स्पीड के साथ पाँव को उठाएं और हल्के से पुश के साथ अपने पाँव को ऊपर को स्ट्रेच करते हुए रखिए। अपने दोनों हाथों को अपने बैक साइड में रख दीजिए, जिसके वजह से वो आपको बैलेंस करने की मदद करेगा। ये आसन आपके फेस फैट्स जिनको थायराइड हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, और जिनको शोल्डर क्रैम्प्स आते हैं उनको उनसे रिलीफ दिलाता है। हमारा नेक्स्ट आसन है उत्थान पदासन। आप मैट पे लेट जाएं, उसके बाद अपने हाथों को थाइस के साइड पर रखें और शोल्डर्स को ज़मीन पर रिलैक्स रखें। उसके बाद अपने पाँव को 60-45 डिग्री के करीब उठा कर होल्ड करें। ये ध्यान रखें कि आपके शोल्डर ज़मीन पे ही हो और लिप्स खुले हों, जिससे एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इनटेक हो, जिससे आपको स्ट्रेस फील ना हो। यह आसन हमारे लोअर एब्स फैट्स को रिड्यूस करता है और यह हमारे कोर स्ट्रेंथ को बढ़ाने में मदद करता है। हमारा नेक्स्ट आसन है पूर्व उत्थान आसन। पहले आप मैट में आके बैठ जाएं और पाँव को आगे स्ट्रेच कीजिए और अपने हाथों को थाइस के साइड में लगा दीजिए। शोल्डर को स्ट्रेच कीजिए, जिससे आपकी स्पाइन स्ट्रेट हो जाए। उसके बाद आराम से लोअर एरिया को उठाना शुरू कीजिए और हील्स को नीचे को कंप्रेस करना स्टार्ट कीजिए। अपने फेस को बैक साइड लटका दें। ये आपके स्पाइन को स्ट्रेच करता है। ये बोथ फॉरवर्ड एंड बैक साइड फैट्स को रिड्यूस करता है और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। हमारा नेक्स्ट आसन है शीर्षासन। पहले तो आप मैट के बीच में आ जाएं और अपने दोनों हाथों को आसपास रखें, एक दूसरे की फिंगर्स को इंटरलॉक कर दें। उसके बाद अपने सिर को अपने दोनों हाथों के बीच प्लेस करें। ब्रीथिंग स्पीड से अपने लेग्स को उठाएं और ये ध्यान रखें कि आप ज़्यादा तेज़ी से ना ऊपर उठा दें, जिसकी वजह से आपकी बॉडी पीछे को ना गिर जाए। ये हमारे स्पाइंस को रिलैक्स और वोकल मसल्स को टारगेट करता है। ये हमारे कोर स्ट्रेंथनिंग के भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। जैसा कि आपने देखा वीडियो में, मैंने कुछ आसन्स किए। अब जानते हैं इसको कब और कैसे करना है। जैसे कि ये आसन्स 5 हैं, तो ये आप सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। पहले वीक में आप इसे 15-30 सेकेंड्स होल्ड करने की कैपेबिलिटी बनाएं। जब आपकी ये स्ट्रेंथ बढ़ जाए तो इसको आप सेकेंड वीक में 30 सेकेंड्स to 1 मिनट तक ले जाएं। और लास्ट वीक जो थर्ड वीक है, हम उसमें आप 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जितना आपकी कैपेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ है, आपको बिल्डअप की है, उसको आप कैरी ऑन करके होल्ड करिए। आपको इसका रिजल्ट मिलता रहेगा। और मैं आपको बेट देता हूँ कि 28 डेज में आप स्लिम तो हो ही जाएंगे और 2-3 kg आप वेट 1 महीने में घटा पाएंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने सारे फिटनेस फ्रीक और जो स्लिम होना चाहते हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। मेरी आने वाली वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड रहिए। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी। बाय बाय।